हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज हम जो शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है, आज की क्लास में हम जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले, जो कि इंडियन आर्मी या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें पीछे के पूछे गए क्वेश्चनों का मैंने संग्रह तैयार किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। ये क्लास भले आप GDO ट्रेडमैन हो, NAO SKTO हो, टेक्निकल हो, या फिर बात कर लेते आप TA भर्ती की तैयारी करो, फिर भी ये क्लास आप सभी के लिए शानदार साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और आज की क्लास में इन 30 प्रश्नों में से मैं आपको 22 प्लस का टारगेट देता हूं। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके, एक बार सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन से स्वतंत्र सेनानी के ने जो जेल में, आपको पता है जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, यानी खास तौर से बात करें तो ये आपसे कह रहा है कि कौन सा महाकाव्य बनता है जो कि जेल की दीवारों पर लिखा गया था, तो क्वेश्चन बनता है कमला। और आपको कहे कमला महाकाव्य की रचना किसने की है, तो ये आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, VD सावरकर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, यानी दुनिया का पहला प्रोग्रामर की बात करें, कंप्यूटर को विशेष तौर से हम बात कर लेते हैं, समझने की जो महिला थी आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, एडा लवलेस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इन्होंने आपको पता होगा पहला प्रोग्रामर कंप्यूटर जो बेसिक तौर से तैयार किया था, या आप सबको पता होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन ऐसे पूछे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है एडा लवलेस को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ओस्कार पुरस्कार प्राप्त किए हैं, यानी आपके क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि किस देश ने ओस्कार पुरस्कार सबसे ज्यादा जीते हैं, तो आपको करना है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे इटली, बिल्कुल का उत्तर सही है। नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, नक्शे, यानी हम बात कर लेते हैं मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानचित्र के अध्ययन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, कार्टोग्राफी बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल का उत्तर सही। कई बार इंडियन आर्मी में आपने देखा होगा पूछा गया, और कई बार आपको कार्टोग्राफी जब ऑप्शन में नहीं दे तब आप जियोग्राफी यानी भूगोल कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। जब आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले और कार्टोलॉजी जब आपको ऑप्शन में मिले तब तो यही करना है, खासतौर से सभी को ध्यान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, रेलगाड़ियों के संबंध में RLWL का फुल फॉर्म क्या है। आपको बताऊंगा, कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में कोई शब्द का शॉर्टकट होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यदि आपको कहे RLWL का फुल फॉर्म क्या है, तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर में। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तब आपको करना है श्रीनगर, यानी वैसे कहे तो जम्मू कश्मीर आप कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। अब यहां से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। पहले बात तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो तेलंगाना था वो किस से अलग होकर बना था, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, तेलंगाना पहले आपको बताओ 29वां राज्य बना था, वर्तमान में राज्य कितने, जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा। इतने में काफी सारी व्याख्या यहां से आपको कर देता हूं।
तो आपको पता होगा यदि आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तब आपको करना है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी जा रहा है अमरावती बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और तेलंगाना की राजधानी की बात करें तब आपको करना है हैदराबाद। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा बार पेपरों में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियां, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बार पेपरों में रिपीट हो चुका, आपने भी देखा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, अब की बार ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी क्योंकि इंडियन आर्मी ने आपने देखा होगा जब 2011-12 में पेपर हुआ था वहां आपको पूछा था, 2008 का आपको बताओ ग्रीष्मकालीन कहां हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होगा, तो ये नोट कीजिएगा। 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन से देश ने की थी या कौन से देश के शहर ने की थी, यह आप सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे रियो डी जेनेरिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ये शहर कहां है आपको बताओगा, ब्राजील में, ये भी नोट कीजिएगा। आपको बताओगा विश्व में प्रथम कॉफी उत्पादन देश की बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए ब्राजील है क्योंकि कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो वो होती है 25 साल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और राष्ट्रपति और हम बात कर लेते हैं जो राज्यपाल होता है उनके लिए न्यूनतम आयु की बात करें तब आपको करना है 35 साल और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु करें तब आपको करना है 30 साल और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु भारत के लिए बात करें तो 18 वर्ष है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बात कर लेते हैं विश्व एड्स दिवस की तो वो प्रतिवर्ष आपको बताऊंगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और 8 मार्च को आपको बताऊंगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट। अगले आपको बताया 14 फरवरी को भी पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा, आपको कह दे भारत का प्रथम उपग्रह या कह दे इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं आर्यभट्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने आपको बताया शून्य की भी खोज की थी उन्हीं के नाम पर आपको बताया आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें तो वो आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, यानी हम बात कर लेते हैं पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कई बार इंडियन आर्मी में पूछा गया है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे कलकत्ता। कलकत्ता आपको बताया कोलकाता का पूर्व में नाम क्या था, कलकत्ता था, तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और 1911-12 में स्थानांतरित हुई थी, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय हम बात कर लेते हैं कौन था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे राकेश शर्मा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और महिला की बात करें तब आपको करना है कल्पना चावला, यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार या कहे मूल अधिकार नहीं है, तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक या मूल अधिकार थे और वर्तमान में आपको पता है 6 ही मौलिक या कहे मूल अधिकार है, क्योंकि आपको पता है संपत्ति के अधिकार को आपको बताऊंगा कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, देश की रक्षा करना ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ऊपर वाले स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आपको बताया मौलिक अधिकार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, भगत सिंह और उनके साथियों ने
किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जो आपको पता है जॉन सैंडर्स था, एक अंग्रेज था जॉन सैंडर्स, उसकी हत्या की थी। यह आपको पता है भगत सिंह ने हत्या की थी। पहला क्वेश्चन देश से बनता है किन्नों ने की थी, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। और क्यों की थी आपको पता होगा, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि लाला लाजपत राय की आपको पता है लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी, उन्हीं का बदला लेने के लिए आपको पता होगा भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम की बात करें। बहुत ही यहां से शानदार में क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। आपको कहे जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तब तो आपको करना है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक की बात करें तब आपको करना है बिहार, अधिक की बात करें तब आपको क्या करना है बिहार करना है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अब यहां से बनता आपको कहता है जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है, तब आपको क्या करना है जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा, जनसंख्या घनत्व अलग है, और आज आपको कमेंट करके बताना है भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम है और क्षेत्रफल के अनुसार। यह आज आपको होमवर्क दे देता हूं, लंबा कॉमेंट करके बताना है, देखते किन किन विद्यार्थियों को पता रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, दादा साहेब फाल्गे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्गे पुरस्कार की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं सिनेमा जगत, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। आपको बताऊंगा फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाला दादा साहेब फाल्गे पुरस्कार है, जो कि भारत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपको बताऊंगा ऑस्कर पुरस्कार की बात करें जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा, तो यह भी आपको पता है सिनेमा जगत में दिया जाता है, विश्व का पुरस्कार है, यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब में हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर, हम बात कर लेते हैं 2015 में, मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत किसने की थी, तो यह क्वेश्चन बनता है कोई कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिन्होंने मेक इन इंडिया जो इमोजी है सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं लॉन्च की थी, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बी की तरफ जा रहे ट्विटर आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मेक इन इंडिया की पहली इमोजी सोशल मीडिया आपको पता है लॉन्च करने वाला है, ये सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, जो कि नवंबर 2015 में लॉन्च की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, और आपको बताऊंगा फेसबुक के निर्माता कौन है, कई बार पेपर में आ चुका है जल्दी से कमेंट करके बताएगा, कई बार मैंने बता रखा है इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया, तो अब की बार यदि सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस की बात करें इसका मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा आप ऑप्शन देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय यानी हिंदी दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और अंतर्राष्ट्रीय या कहे विश्व हिंदी दिवस की तो वो भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको बताऊंगा मैंने कई बार बता दिया है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर, यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और खजुराहो के मंदिर की बात करें तो वो भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का जो लाल रंग होता है, मिट्टी के लाल रंग की बात करें वो किसके कारण होता है, खास तौर से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन की भाषा ये है कि मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है, ये पेपर में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो कि साइंस का भी हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मौजूदा भारतीय महिला हॉकी यानी वर्तमान की बात करें हॉकी टीम का कप्तान कौन है, यानी महिला हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे रानी रामपाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और इससे पहले की बात करें तो रितु रानी थे, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, वर्तमान की बात करें तो रानी रामपाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है, रानी राम हम बात कर लेते हैं, रानी रामपाल का संबंध किससे, तब भी आपको करना है ओकी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अजय जयराम किस खेल से जुड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजय जयराम की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे, बैडमिंटन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, कई बार पेपर में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 25 नंबर आपके सामने आ चुका है, मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे की बात करें जल्दी से कमेंट करके बताएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे, आकाश गंगा। मिल्की वे की बात करें तो एक तरह की क्या है, आकाश गंगा है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 26 नंबर आपके सामने आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब कई बार पेपर में आ जाता है, WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इनके आविष्कारकर्ता कौन है, जैसे आपको बताया फेसबुक वाला मैंने कमेंट करके लिए करने के लिए बताया था, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे, टीम बर्नर हम बात कर लेते हैं, बर्नर्स ली, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 27 नंबर आपके सामने आ चुका है, आपको पता होगा श्रीलंका को किस वर्ष आजादी मिली थी, यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, एक बनता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश आपको पता होगा 1971 में स्वतंत्र हुआ था, भारत की बात करें 1947 में हुआ था, और श्रीलंका की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे 1948, बिल्कुल उनका उत्तर सही, ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 4 जनवरी 1948 को आपको बताऊंगा श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 28 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब कई सारे विद्यार्थी भाषा देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, भारत में जो आपको पता होगा भारत में नीली जीव रोग, यानी खासतौर से रोग का नाम दे दिया, नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है, यानी खासतौर से क्वेश्चन यही कह रहा है, नीली जीव रोग का संबंध किससे है, क्वेश्चन क्या है, नीली जीव रोग का संबंध किससे है, तो आपको बताऊंगा जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, भेड़ और बकरिया, बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 29 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, पहला हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट कौन सा है, कृत्रिम की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, SPUTNICNIK-1, ये बिल्कुल नोट कीजिएगा, इसका नाम आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, और भारत का प्रथम सैटेलाइट की बात करें तो आपको बताऊंगा आर्यभट्ट है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम हम बात करें जो क्या होता है, संचार उपग्रह की बात करें, तब आपको करना है एप्पल। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 30 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह का आपको पता है जो हवाई अड्डा होता है उनसे संबंधित आर्मी के पेपर में खास तौर से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित, दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, यदि इन 30 में से आपके 22 क्वेश्चन भी राइट हो गया तो बहुत ही शानदार तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल आपने देखा होगा बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चनों को इंक्लूड किए, और क्लास आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा, यदि क्लास लगी तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए शानदार क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। और एक बता दूं, कई सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं सर हम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वीडियोस देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स वैसे भी मैंने पहले पूरी करवा रखी है, और थोड़ी सी आपको बताया मेरी तबियत खराब होने के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, हालांकि आपको बताया अभी सर्दी जुकाम का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब वायरल बुखार चल रही है, तो इस कारण मेरी भी थोड़ी तबियत डाउन है, इस कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, शाम की आपको रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सुबह वाली क्लास आपको बताया डिस्टर्ब हो रही है, तो इस कारण जो भी विद्यार्थी पीछे के वीडियोस में मैथमेटिक्स के डाल रखे वो देखिएगा, और जीके जीएस आप टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आपको पता है हमने टॉपिक वाइज ईबुक लॉन्च कर रखी है, तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट दो तरह की ईबुक हमारी मार्केट में चल रही है, जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज जीरो से हीरो की तरफ। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं, सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।